शांति। तो संगठन में इस तरह की बातें जिसे हम कहेंगे कि कुछ नेगेटिव होती है कुछ पॉजिटिव भी होती है वो हमारे सामने आती है कि संगठन में हमें सहयोग भी मिलता है। अब आप यहाँ आए हैं, आपके कमरे में 4, 5, 6, 7 जो भी लोग रह रहे हैं सब अमृत वेले 3:30 बजे 5:30 तो शायद 3 बजे नहीं उठ पाते या कभी नहीं भी करते होंगे अमृत वेला, लेकिन यहाँ जैसे ही संगठन में सबको देखते हैं कि तो सब इतनी लगन से बाबा को याद करने के लिए सुबह सुबह 3 बजे उठकर जा रहे हैं, तो अपने को भी प्रेरणा आती है कि नहीं नहीं मुझे भी करना है। तो जरा भी आलस आएगा तुरंत उठ करके हम भी योग करने के लिए आ जाएंगे और हमारा पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। वो जो अनुभव हमें अमृत वेले के समय होते हैं जो सारा दिन हमें उतना अच्छा अनुभव योग में उतना पावरफुल अनुभव हमें योग में नहीं होता है। तो कई बातों में हमें संगठन का पुरुषार्थ में बहुत सहयोग भी मिलता है, हम उनके अनुभव सुनते हैं, कईयों के अनुभव इतने वंडरफुल होते हैं। कोई कहाँ से आया कोई कहाँ से आया, पूरा परिवार तो यही आकर करता है ना, वहाँ तो चलो अपने सेंटर के थोड़े भाई बहन उनको जानते होंगे, लेकिन यहाँ आकर के मिले तो जिन भी जोन से अलग अलग जोन से या पूरे जोन से भाई बहन आए हुए तो आपके कमरे में जिनको जगह मिली हो सकता है दूसरे स्थान से आए उनसे आपने बातचीत की और उनका कोई ऐसा बहुत विशेष अनुभव रहा और हो सकता है कि वही आपके जीवन में कोई ऐसा विघ्न हो समस्या हो और वो आपने सुना और उससे आपको हिम्मत आ गई कि अच्छा ये ऐसा कर सकते हैं तो हम भी हमारे लिए भी सहज है, एक करता है तो फिर दूसरे को भी उससे प्रेरणा मिलती है। तो संगठन में हमें कई बातों का सहयोग भी मिलता है।